और ये बिल्कुल फ्लैगशिप फ़ोन कह सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A71 जो काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है, तो ये भी देख सकते हो काफ़ी कम प्राइस में 13,000 रुपये में। मात्र वीडियो के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की ये वीडियो जो है इस चैनल की आज तक की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ये भी मालूम है कि इस वीडियो पर मेरे को ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यांत्रा रिटेल में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सेल अभी चल रही है और ये शायद कल तक की सेल है, बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि कल तक की सेल में आपको प्राइस सेम देखने को मिले। हो सकता है कि प्राइस सेम भी हो तो स्टॉक ख़त्म हो जाए। मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे फ़ोन हैं जिसकी प्राइस आपको काफ़ी कम मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो आईफोन की प्राइस, जैसे आप देख रहे हो M31 यहाँ पर 11,000 में मिल रहा है। नीचे स्लाइड करता जाऊँगा तो हो सकता है वो आपको 9,000 तक में देखने को मिल जाएगा, 128 GB का। यहाँ पर आप देख रहे हो 7,500 रुपये में आपको OnePlus 5 देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप ये भी देख सकते हो Honor 20i आपको जो है 128 GB का आपको 7,299 रुपये। आप देख सकते हो Realme X जो है आपको 128 GB का 9,548 रुपये में देखने को मिल रहा है। Realme 5 Pro आप देख सकते हो, ये भी आपको 8,098 रुपये में देखने को मिल रहा है। और ये बिल्कुल फ्लैगशिप फ़ोन कह सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A71 जो काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है, तो ये भी देख सकते हो काफ़ी कम प्राइस में 13,000 रुपये में मात्र मिल रहा है, जबकि फ़्लिपकार्ट पर 27,000-28,000 रुपये का ये फ़ोन अवेलेबल है। और वो भी 128 GB का है, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज आप देख सकते हो। A71 13,000 रुपये में ऑनली मिल रहा है, तो काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं यांत्रा रिटेल पर। बट आप लोग डायरेक्टली परचेज़ नहीं कर सकते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु का गैजेट में। मैं हूँ आपका भाई प्रिंस। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो, और इस वीडियो में मैं कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ। बट आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर रिफर्बिश फ़ोन की अनबॉक्सिंग वीडियो लाता रहता हूँ, और पिछला जो मैंने अनबॉक्सिंग किया था सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge, जिसमें मैंने ये भी बात बताई थी कि आप सभी चाहे तो रिफर्बिश्ड फ़ोन मुझसे परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि आप लोग यांत्रा रिटेल से कोई भी फ़ोन परचेज़ नहीं कर पाते हो। क्योंकि यांत्रा रिटेल के बारे में कई लोगों के क्वेश्चन भी थे कि ID और पासवर्ड मेरी जनरेट नहीं हो पा रही है, लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो इन सभी सवालों के मैं जवाब आप सभी को देने वाला हूँ। और काफ़ी लोगों का सवाल ये भी था कि आप भाई रिफर्बिश्ड फ़ोन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कमेंट में क्वेश्चन करते हैं कि भाई मेरे को iPhone X चाहिए, मेरे को iPhone 7 Plus चाहिए, या तो फिर बहुत सारे और भी लोग हैं जो कई तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं आप सभी को आज आंसर करने वाला हूं। और मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ पर एक वीडियो बना लेता हूं, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा कमरा है तो वहां मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं आउटडोर में ही वीडियो बना रहा हूं, और हो सकता है कि आप सभी को नॉइज भी आए। तो चलिए इन सभी बकवास को मैं थोड़ा दूर रखता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि यांत्रा रिटेल पर वही लोग लॉगिन कर सकते हैं, या तो फिर वही लोग यांत्रा रिटेल से कोई भी फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं जिनकी कोई शॉप हो, जो रिटेलर हैं वही लोग यांत्रा रिटेल पर परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप जितने भी YouTube पर देखते हो कि यांत्रा रिटेल की लॉगिन बताते हैं, वो सारे फेक रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यांत्रा रिटेल पर आप साफ साफ शब्दों में जान लें कि जब तक आपके पास कोई शॉप नहीं है, आपके पास कोई GST नंबर और आपका जो है शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप यांत्रा रिटेल से कोई भी फ़ोन परचेज़ नहीं कर सकते हो। और आप लोग बोलोगे कि मैं कैसे परचेज़ कर लेता हूँ, मेरे पास कोई शॉप है या नहीं है। मेरी ID काफ़ी पुरानी है, लगभग 4 साल पुरानी है, तो उस समय की पॉलिसी कुछ ऐसी नहीं थी। बाद में पॉलिसी चेंज होता गया तो फिर ऐसा कुछ कंडीशन आ चुका है, तो यही कुछ सिस्टम है। और बाकी दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि रिफर्बिश्ड फ़ोन काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मैं परचेज़ करने वाला हूँ, मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, या तो फिर फ़्लिपकार्ट की रिफर्बिश्ड फ़ोन, या तो फिर कैसीफाई, या तो फिर यांत्रा रिटेल जो से भी आप परचेज़ करते हैं, तो आप लोग बोलते हो कि शायद भाई मेरे को कैसी कंडीशन मिलने वाली है, कैसी कंडीशन रहेगी फ़ोन की। तो देखो भाई, कोई भी रिफर्बिश्ड फ़ोन जो होती है उसकी कंडीशन एक जैसी नहीं रह सकती है, क्योंकि रिफर्बिश्ड फ़ोन का मतलब होता है, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पर देखते हो कि एक्सचेंज ऑफ़र आते हैं कि फ़ोन एक्सचेंज कर सकते हो आप, और उसमें आपको कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं मिलता है वैसे, बट वही फ़ोन जो है वही वाला फ़ोन आपको रिफर्बिश्ड के नाम पर दिया जाता है। और कई सारे फ़ोन जो डैमेज होते हैं और उनको रिपेयर किया जाता है और बॉडी चेंज की जाती है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिस्प्ले भी चेंज देखने को मिले। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम होने वाला है।
और ऐसा ही सिस्टम होता है, कभी बॉडी चेंज होती है, किसी फ़ोन का डिस्प्ले चेंज होता है। बाकी मैंने बताया है कि जिस फ़ोन का भी आपको एमोलेड डिस्प्ले के बारे में जानना हो कि ओरिजिनल दिया जा रहा है या नहीं रिफर्बिश्ड फ़ोन में, तो मैंने सैमसंग गैलेक्सी एस सेवन एज में ये चीज़ बताया था क्लियर करके कि आप कैसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि कंडीशन आपको मालूम नहीं चलेगा पहले से, हालांकि कंडीशन दी हुई रहती है। जैसे यांत्रा रिटेल में आप परचेस करते हो तो आपको 3 या 4 कैटेगरी मिल जाती है, कैटेगरी ए बी सी डी और ई तक मिलती है, 5 कैटेगरी होती है। बट आप चाहो तो डी कैटेगरी में भी परचेस कर सकते हो और सी कैटेगरी में भी परचेस कर सकते हो। दोनों कैटेगरीज की प्राइस थोड़ी सी डिफरेंस होती है प्राइस में, और आप बी में भी कर सकते हो या तो फिर ए में भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है प्राइस के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात यह है कि आपको ब्रांड बॉक्स में भी अवेलेबल होता है, ब्रांड बॉक्स का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है यांत्रा रिटेल में, और यांत्रा बॉक्स के साथ प्राइस थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। बट हर एक फ़ोन के साथ ब्रांड बॉक्स नहीं आता है, आपको वहाँ चूज करने का ऑप्शन रहता है। अगर ब्रांड बॉक्स में मिलता है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आप सी कैटेगरी में लेते हो यांत्रा रिटेल से ब्रांड बॉक्स के साथ, तो आपको ओरिजिनल चार्जर भी देखने को मिल सकता है, मिल जाता ही है। और डी कैटेगरी में अगर आप ब्रांड बॉक्स में लो या तो फिर यांत्रा बॉक्स में लो, आपको यांत्रा रिटेल में उसके साथ चार्जर इंक्लूडेड नहीं मिलेगा। और आप चार्जर लेना चाहते हो तो आपको चार्जर मिलेगा, 149 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा डी कैटेगरी में, और उसमें भी यांत्रा रिटेल का ही चार्जर आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ यांत्रा रिटेल की बात जो मैंने आपके साथ शेयर की। और तो रिफर्बिश्ड फ़ोन में कभी भी आपको ये चीज़ मालूम नहीं रहता है कि फ़ोन की कंडीशन क्या होने वाली है। हो सकता है आपने सी कैटेगरी में लिया, उसमें भी आपको थोड़े बहुत डेंट्स या स्क्रैच देखने को मिल सकते हैं, या तो आप डी कैटेगरी में भी लोगे तो हो सकता है आपको ब्रांड न्यू टाइप का फ़ोन मिल जाए, जैसा कि मेरे को एस सेवन एज में मिला था। आप लोगों ने वीडियो अगर नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा ऊपर में, और डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे वीडियोज़ की लिंक आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ फ्लिपकार्ट की रिफर्बिश्ड फ़ोन, जैसा कि आप सभी जानते हो टू गुड से अब वो रिफर्बिश्ड फ़ोन फ्लिपकार्ट पर जा चुका है और वहीं से सेल किया जाता है, तो फ्लिपकार्ट में भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। फ्लिपकार्ट में होता क्या है कि आप रिफर्बिश्ड जोन में जाओ, रिफर्बिश्ड कैटेगरी में जा करके चूज करके चेक कर सकते हो, काफ़ी सारे आपको फ़ोन काफ़ी कम प्राइस में मिलते हैं देखने को। बट वहाँ भी ऐसा ही सिस्टम होता है कि आप कोई भी फ़ोन लोगे तो आपको उसकी रेटिंग दी हुई होती है। अगर आप फ़ोन परचेज़ करते हो तो आपको वहाँ पर रेटिंग स्टार के रूप में दिया जाता है, 3.4 3.2 ऐसा ही करके रेटिंग रहता है। तो अगर आप ग्रीन वाला रेटिंग जिस भी फ़ोन का रहे तो समझ लो कि हो सकता है कि उसमें आपको कम डेंट्स या कम स्क्रैचेज आपको देखने को मिलेंगे, या तो उसकी कंडीशन आपको अच्छी मिल सकती है। बाकी अगर आपको रेड कलर की रेटिंग मिलेगी तो आप समझ लो कि वो फ़ोन की रेटिंग ख़राब इसलिए है क्योंकि किसी ने पहले परचेज़ किया है और उसे शायद कंडीशन ठीक नहीं मिली है फ़ोन की। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि उसको ख़राब कंडीशन का फ़ोन मिला है तो आपको भी वैसा ही फ़ोन मिले, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। या तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि यदि उस बंदे को अच्छा फ़ोन मिला है, रेटिंग अगर ग्रीन है, तो आपको भी सेम उसी कंडीशन का फ़ोन मिले, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि सारे अलग अलग जगह से फ़ोन आते हैं तो वहाँ से कलेक्ट की जाती है, बाकी कुछ कुछ फ़ोन में अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो उसे रिफर्बिश्ड के नाम पर जो है चेंज किया जाता है पार्ट्स को, उसके बाद उसे रीसेल किया जाता है। बाकी बहुत सारे ऐसे भी फ़ोन होते हैं जो बिना किसी चेंजेस के आपको रीसेल कर दिए जाते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाले हुए, आपने देखा भी होगा कि किसी में बैक कवर का दाग रहता है, किसी में आपको टेम्पर्ड ग्लास का भी दाग, जैसे जानते हो आपकी नॉर्मल मिल जाता है। तो ये कुछ कोई फ्यूचर बता नहीं सकता है कि आपको किस प्रकार का कंडीशन का फ़ोन मिल सकता है भाई। तो ये चीज़ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो ये एक रिस्क भी होता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप जो प्राइस में फ़ोन देखते हो, जैसे कि मैं काफ़ी कम प्राइस में फ़ोन परचेज़ कर लेता हूं, बट आप सभी बोलते हो कि भाई आपको इतने कम प्राइस में फ़ोन मिल जाता है, मेरे को क्यों नहीं मिलता है। आप सभी का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मैं यही बताऊँगा आपको कि रिफर्बिश्ड फ़ोन में कोई भी फ़ोन फिक्स नहीं रहता स्टॉक में। आप देखोगे कि आपने आज सैमसंग गैलेक्सी एस सेवन एज या तो फिर कोई भी S8 या S9 देखा, आपको हो सकता है कल आउट ऑफ स्टॉक मिले, क्योंकि वो डेली स्टॉक में नहीं रह सकता है। हो सकता है किसी ने उसे परचेज़ कर लिया तो आपको दोबारा स्टॉक में देखने को नहीं मिले। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जिस प्राइस में आपने देखा था वो प्राइस बाद में ना रहे, प्राइस ज़्यादा या कम हो सकता है, क्योंकि रिफर्बिश्ड फ़ोन में हर जगह ऐसा ही होता है। अगर कोई एप्लीकेशन या तो फिर आप कोई वेबसाइट पर देखते हो रिफर्बिश्ड फ़ोन की प्राइस, तो वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, या तो फिर स्टॉक भी कभी भी फिक्स में नहीं होता है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए
आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आप लोग परचेज़ कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा रिस्क होता है। काफ़ी लोग होते हैं जो मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं बट वो पेमेंट करने से डरते हैं। तो भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालता हूँ और इंस्टाग्राम पर आप मेरी स्टोरी ज़रूर चेक कर लिया करें। मैं पहले नहीं डालता था बट अब मैं सोचा हूँ कि इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालूंगा, तो मैंने शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालना। यांत्रा रिटेल पर होता है कि आपको सेल डेली की डेली अलग अलग सेल मिलती रहती है, उसमें प्राइस कम, काफ़ी कम प्राइस में फ़ोन मिल जाते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालना शुरू कर दिया है, काफ़ी लोगों ने मेरे से परचेज़ भी किया है। तो अगर मुझसे आप परचेज़ करना चाहते हो यांत्रा रिटेल के थ्रू, तो आपको जो किया है 50% पेमेंट पहले करना पड़ेगा और उसके बाद मैं ऑर्डर कर दूंगा आपके फ़ोन को। आप जो भी फ़ोन बोलोगे अगर अवेलेबल होगा तो मैं वो ऑर्डर करूंगा और उसके बाद मेरे पास फ़ोन आ जाएगा, कंडीशन ठीक रहेगी। और अनबॉक्सिंग करने के बाद आप वीडियो देख लोगे, आपको लगेगा कि हाँ फ़ोन ठीक है, कंडीशन सही है, तो फिर आप मेरे को जो बचा हुआ 50% पेमेंट है वो पे कर देना। उसके बाद जो है मैं आपको आपके जगह पर फ़ोन डिलीवर करा दूंगा, जिस भी कुरियर के थ्रू बोलोगे मैं उसके थ्रू फ़ोन डिलीवर करा दूंगा। या तो हो सकता है कि मैं यार खुद भी डिलीवर करने चला जाऊं, बट उसके लिए मेरे को एक ब्लॉगिंग चैनल ओपन करना था, तो हो सकता है कि मैं उस चैनल पर अपनी वीडियोस को डालूंगा। दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं डेली की डेली स्टोरी पोस्ट करता रहूंगा और फ़ोन की सेल जैसे ही आती रहती है, या तो फिर फ्लिपकार्ट पर अगर कोई फ़ोन कम प्राइस में देखने को मिलता है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, तो मैं वहाँ पर स्टोरी में लगाया करूँगा, तो आपको वहाँ पर स्टोरी दिख जाएगी और आप सब भी काफ़ी कम प्राइस में फ़ोन परचेज़ कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी। बाकी अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई अभी भी सवाल है, आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आप सभी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।